ज्ञानवापी मामला क्या है, क्या हुआ था ज्ञानवापी मामले में अब तक और आगे क्या होगा, कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया जिसके बाद हिंदू पक्ष झूम उठा, और क्या है कोर्ट के इस फैसले के मायने। नमस्कार, मैं हूं जून सिंह, आपके साथ आज बात होगी जिला कोर्ट के आए उस फैसले की जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है। सबसे पहला सवाल ये कि आखिर कोर्ट में फैसला किस बात को लेकर आया और कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल कोर्ट में सुनवाई इस बात को लेकर थी कि यह ज्ञानवापी को लेकर याचिका कोर्ट में सुनने योग्य है या फिर नहीं। कोर्ट ने माना है कि याचिका सुनने योग्य है और श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद केस में आगे सुनवाई होगी, जिसके बाद कोर्ट के बाहर जैसे ही इस फैसले को सुनाया गया तो हर हर महादेव के जयकारे से गूंजने लगे। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। अब चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है ज्ञानवापी से जुड़ी कहानी और अब तक क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि यह मामला क्या है। तो साल 1991 में जिला कोर्ट में स्थानीय पुजारियों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है और उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। और अब अपने हक में फैसला होने के बाद अहिल्या काफी खुश दिखाई दे रही है। हमारे हिंदू भाई बहन आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो शिवाय भरी पता की जय। दरअसल यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22-9 आगे अब इस मामले। चलिए अब एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। दिल्ली की 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए इजाजत मांगते हुए याचिका दायर की। अदालत ने एक कमेटी का निर्माण किया और ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की वीडियोग्राफी करके इसकी रिपोर्ट 10 मई तक दाखिल करने को कहा था। मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच सर्वेक्षण को बीच में ही रोक दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि अदालत से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर को परिसर में शूटिंग का अधिकार नहीं है। कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें बदलने की मांग की। अदालत ने 12 मई को सुनवाई के दौरान कमेटी से सर्वेक्षण जारी रखने को और 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। महिलाओं की याचिका पर जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने अब फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया कि उनकी याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। खैर, अब ये तो साफ हो गया कि ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष की दलीलें हाई कोर्ट में पेश होंगी। इसका अंत कहाँ होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई अभी जारी रहेगी। पहले जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट, जैसे राम मंदिर बाबरी विवाद में हुआ था। अभी मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।